सीने पर तिरंगा, सिर पर बोतल और आंखों में जुड़ू, ये है रिटायर्ड फौजी अजाज सिंह। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर जनाब सर पर बोतल लेकर कहाँ निकल पड़े हैं? आखिर क्या वजह है कि एक रिटायर्ड फौजी को सिर पर बोतल लेकर निकलना पड़ा, बताते हैं। उससे पहले ये जान लीजिए कि मामला है झुंझुनू का। भूजल की फिजूल खर्ची को रोकने और बारिश का जल संरक्षण करने के अलावा झुंझुनू को यमुना नहर का पानी दिलाने की मांग को लेकर अब रिटायर्ड फौजी अजाज सिंह प्रदेश में 15,000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा निकालेंगे। अजाज सिंह ने बताया कि शेखावटी खासतौर पर झुंझुनू में पानी की किल्लत है, भूजल काफी नीचे जा चुका है, अब तो पाताल तोड़ मशीनें आ गई हैं जो काफी गहराई से पानी उपलब्ध करवा रही है। पहले जो हमारे पानी का जो आप देख रहे हो आगे आगे, जैसे पहले हमारे यहाँ 20-25 हाथ पे पानी था, अभी 100 हाथ चला गया, अभी 150 हाथ, 200 हाथ, और अभी तो वो पाताल तोड़ को पता नहीं कौन कौन सी जो भीलवाड़ा की मशीन ला के वो कर रहे हैं। तो हमारा अगर हम इस तरह ये करते रहे, पानी को वेस्ट करते रहे, तो आगे जाके हमारे को बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। तो मैंने ये सोचा है सर, मैंने फौज में भी 30 साल नौकरी किया है, और फिर अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं हर आदमी के हर गांव में, राजस्थान में मेरी ये करीब 15,000 किलोमीटर की यात्रा होगी सर, और मैं सबको यही बोलूंगा, जल है तो कल है। अजाज सिंह ने बताया कि उन्होंने बड़ा गांव से यात्रा शुरू की, जिसमें उनके सिर पर पानी की बोतल थी, और वे साइकिल चलाते चलाते पहले बजावा, फिर सीतल, उसके बाद हासल सर पहुंचे और करीब 25 किलोमीटर की यात्रा पूरी की। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को पानी की स्थिति के बारे में बताते हुए इसके दुरुपयोग और बर्बादी रोकने की अपील की। अजाज सिंह ने बताया कि वे अब तक 3 बार ऐसी यात्राएं इलाके में कर चुके हैं। वे योजना बना रहे हैं कि 15,000 किलोमीटर की प्रदेश यात्रा पर निकले और अधिक से अधिक लोगों तक पानी बचाने का संदेश पहुंचाए। बता दें कि गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और पानी की किल्लत भी शुरू हो चुकी है, लोगों को पीने के पानी के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।